मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन महाराष्ट्र सरकार के आदेश अनुसार एक बार फिर से आम जनता के लिए 15 अगस्त से चालू कर दिया गया है, लेकिन इसमें केवल वही व्यक्ति ट्रेवल कर पाएंगे जिनको वैक्सीन के दोनों शॉट्स लगे हुए हैं और जिनके पास महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया यूनिवर्सल ट्रेवल पास हो। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिवर्सल ट्रेवल पास उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा जिनको वैक्सीन के दोनों शॉट्स लगे 14 डेज से ज़्यादा हो गया है। अगर आपको वैक्सीन का एक डोज लगा है और दूसरा डोज लगे 14 डेज नहीं हुआ है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक दूसरे डोज को लगे हुए 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल ट्रेवल पास नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन खुद से यूनिवर्सल ट्रेवल पास को कैसे बनाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक जो है वेबसाइट टाइप करना पड़ेगा, उसका नाम है, यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ, ई पास। यहाँ पर आप डालेंगे ई पास MSDMA और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है MAHAIT। फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस साइट को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन टू यूनिवर्सल पास, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए ये पेज ओपन हो गया है, यूनिवर्सल पास, यहाँ से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सिटीजन, नीचे लिखा हुआ है यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेटेड सिटीजन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे ध्यान देना होगा, आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप वैक्सीन लगवाते समय एंटर किए थे, रजिस्टर किए थे। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर ले रहा हूँ। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, हमें उसे एंटर करना होगा। तो जैसे आप वहाँ से सेंड करेंगे तो OTP आएगा, उस OTP को एंटर करना है। हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर OTP एंटर कर ले रहा हूँ। इसी तरीके से आप अपने OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड, जैसे सबमिट होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस मोबाइल नंबर से जितने पर्संस जो है वैक्सीन लगवाए हैं उनका जो है नाम यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मैं इस मोबाइल नंबर से केवल मैं अकेले ही वैक्सीन लगवाया हूँ और इसलिए मेरा केवल यहाँ पर अकेले ही नाम दिखा रहा है, अमरीश कुमार दीक्षित। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आपका मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा और यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर और आपने सेकेंड डोज कब लगवाया है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक्शन के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ जनरेट पास, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल आपको दिखाई देगा, जैसे आपका नाम, उसके बाद आपका रेफरेंस आईडी, आपका जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है वो भी दिखाई देगा। फर्स्ट डोज किस तारीख को लगा था, सेकेंड डोज कब लगा था वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको एक सेल्फ फ़ोटो जो है लगाना होगा, इसके लिए आपको यहाँ अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आप अपने सिस्टम में रखे हुए फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपलोड फ़ोटो पर क्लिक किया है तो अब मुझे ये जो है जो भी हम जहाँ पे हम रखे हुए हैं फ़ोटो वहाँ पे ये लेके चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मतलब आ गया है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो जो है लगा लेना है। यहाँ पर आप ऊपर करेंगे थोड़ा, देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर है। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर रखा हुआ होगा फ़ोटो तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे या तो न्यू वॉल्यूम ई में देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर फ़ोटो का सेक्शन दिया हुआ है या स्कैन पिक का सेक्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आएंगे न्यू फोल्डर यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर मेरा फ़ोटो नहीं दिख रहा है, मैं बैक कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो लगाता हूँ, यहाँ फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मेरा फ़ोटो है तो मैं एक लगा रहा हूँ। यहाँ पर ओपन करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेरा फ़ोटो है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़ोटो लग चुका है। अब आपको यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। आई कन्फर्म अपलोडेड फ़ोटो, यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना है। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देखिए एक मैसेज आ गया है, योर यूनिवर्सल पास विल बी सेंड टू यू इन 24 आवर ऑन SMS। ये कह रहा है कि आपके जो है मोबाइल नंबर पर एक SMS जाएगा 24 आवर में। उसके बाद वहाँ पर आपका जो मतलब ये जो पास है उसको जो है वहाँ पर अप्रूवल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और वो मैसेज जब आ जाएगा उसके बाद आप जो है यहाँ पर जा करके अपने
जो है पास को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड देखिए हमारे पास जो है मैसेज आ चुका है। अब आपको करना क्या है, फिर से यूनिवर्सल अभी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ वो मैसेज, तो उस मैसेज से कोई मतलब नहीं है। वो मैसेज जब आ जाएगा उसके बाद फिर से आपको सिटीजन के नीचे यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेना है। यहाँ पर जो है ओटीपी आ गया होगा, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर से मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे व्यू पास का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। व्यू पास पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपका पास जनरेट होके आ जाएगा। आप इस पास को अपने पास रख सकते हैं, चाहे तो आप गूगल ड्राइव में रख लीजिए या तो आप इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। जब तक आपके पास ये पास नहीं होगा तब तक आप मुंबई के लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर पास हमारा बन के आ चुका है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है, और जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, और आप इसे सेव कर लें। चाहे तो आप इसका प्रिंटआउट निकाल करके इसे अपने पास रख लें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल अमरीश टेक इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।